अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि टेली प्राइम के बेसिक लेवल में हमने आपको जो भी सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज उसका टेस्ट ले लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने मैनुअल अकाउंटिंग को कंप्यूटर अकाउंटिंग में शिफ्ट करना और उसमें आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रहे हैं जिन्हें आपको नई बनाई कंपनी में रिकॉर्ड करना है। हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दो पीडीएफ दे रहे हैं। एक पीडीएफ में वो सभी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम यहाँ दिखा रहे हैं और दूसरा पीडीएफ डे बुक का है। पहले आप सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लें, फिर उसके बाद हम आपको आगे डे बुक के पीडीएफ का उपयोग बताएंगे। यहाँ हम आपके सुविधा के लिए हर ट्रांजेक्शन के बाद उस वाउचर का नाम भी दे रहे हैं जिसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते समय उनमें नरेशन जरूर दें, क्योंकि नरेशन से ही हमें उस ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप ये सभी ट्रांजेक्शन्स अपनी कंपनी में रिकॉर्ड करने के बाद 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की डे बुक ओपन करें और हमारे द्वारा दिए गए डे बुक के पीडीएफ से मिलाएं, और यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे ठीक करें। हमने हमारी डे बुक में नरेशंस इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि वो तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग ही लिखेगा। अभी तक हमने जिन वाउचर्स का उपयोग सिखाया था इस वीडियो में उनका टेस्ट लिया है। अगली वीडियो में हम इसी के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में डिटेल में बताएंगे।